तो अभी देख लेते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस तो उसके लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जिसके अंदर हम लोगों ने एक ये सर्किट बना रखा है जिसके अंदर एक बैटरी है एक एमटर है करंट नापने के लिए एक स्विच है और ए और बी के बीच में गैप है जिसके अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट मटीरियल डाल के हम उसका रेजिस्टेंस नाप सकते हैं तो सबसे पहले हमने लिया हुआ है नाइक्रोम वायर नाइक्रोम वायर जो पहला सैंपल हम लोग लेंगे उसके अंदर क्या है उसका लेंथ है एल और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो है ए तो सबसे पहले हम वो लगाएंगे और देखेंगे इस सर्किट के अंदर कितना करंट जा रहा है सपोज दैट करंट इज आई एमपे फिर हम ले लेंगे का ही एक लंबा वायर जिसका लेंथ जो है पहले वाले के लेंथ से डबल है लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है फिर उसके बाद हम वो लगाने के बाद देखेंगे सर्किट के अंदर कितना करंट जा रहा है एंड सपोज दैट करंट इज आई टू एंड what वी विल नोटिस दैट दिस i2 टू इज हाफ ऑफ आई वन इसका मतलब क्या हुआ जैसे ही हमने इसका लेंथ को डबल कर दिया इसका रेजिस्टेंस डबल हो गया और करंट हाफ हो गया नेक्स्ट केस में हम क्या करेंगे थर्ड केस में हम नाइक्रोम का वायर लेंगे लेंथ जो है पहले वाले के बिल्कुल सेम रहेगा और इस समय हम लोग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डबल कर देंगे जब ये लगाएंगे फिर हम देखेंगे करंट कितना जा रहा है सपोज दैट इज आई थ्री दिस आई थ्री विल बी वॉट डबल ऑफ आई वन इससे क्या पता लग रहा है अगर लेंथ सेम है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उस वायर का डबल हो जा रहा है तो करंट भी डबल हो जाएगा इसका मतलब रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा तो इससे हम लोगों को पता लग रहा है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर तो अगर हम दोनों को कंबाइन करें तो क्या आएगा रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू एल ए। फिर हम लोग कॉपर का एक कंडक्टर लगाएंगे जिसका लेंथ जो है नाइक्रोम के फर्स्ट सैंपल के बराबर था और उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो भी फर्स्ट सैंपल के बराबर था तो हम इस केस में देखेंगे करेंट जो है ज्यादा है इस केस से तो इस केस में हम देखेंगे करेंट इज मोर देन व्हाट दैट वाज़ फाउंड इन द केस ऑफ नाइक्रोम तो इससे हम लोगों को पता लगता है कि जो रेजिस्टेंस है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है लेंथ के ऊपर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है लेकिन अगर लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम हो तो डिफरेंट डिफरेंट मटीरियल का उसका इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है फॉर एग्जाम्पल नाइक्रोन विल हैव मोर रेजिस्टेंस दैन कॉपर एंड सिल्वर विल हैव लेस रेजिस्टेंस दैन कॉपर तो अब कॉन्सेप्ट आता है रेजिस्टिविटी का अभी तक हमने देखा द रजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेथ ऑफ द कंडक्टर एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रोसेक्शन अगर मैं इसको एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट से रिप्लेस करूं तो क्या होगा आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए नाउ दिस इज कॉल्ड द रेजिस्टिविटी अब ये रेजिस्टिविटी है क्या दिस इज द इंटरेंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। अगर मैं दो अलग अलग मटेरियल ले लूं और दोनों का लेंथ और एरिया जो है सेम हो फिर भी दोनों का रेजिस्टेंस जो है डिफरेंट होगा क्यों बिकॉज ड्यू टू इट्स इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी तो ये रेजिस्टिविटी को अभी हम डिफाइन करने की कोशिश करें तो वो क्या होगा तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था कभी भी किसी का डेफिनेशन अगर बनाना है तो उसका हमको क्या आना चाहिए फॉर्मूला आना चाहिए तो अब अगर मैं रेजिस्टिविटी को लिखूं रेजिस्टिविटी विल बी इज इक्वल टू आर इन टू ए अपॉन एल नाउ अगर मैं इसको वन मीटर स्क्वायर कर दूं और इसको वन मीटर कर दूं लेंथ को क्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया अब इसके बाद एक और पार्ट भी है इसका उसको भी समझना बहुत जरूरी है वेन द करेंट इज अप्लाइड पर्पेंडिकुलर टू द सर्फेस ऑफ द कंडक्टर अब इसका मतलब क्या है सपोज हम एक कंडक्टर बना लेते हैं जो कि थोड़ा ऐसा देखने में है इसका सपोज ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो है वन मीटर स्क्वाइर और ये जो लेंथ है ये है वन मीटर तो अब क्या है अगर मैं करंट को ऐसे परपेंडिकुलरली इसके ऊपर भेजूं तो क्या होगा ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये वन मीटर ही डिस्टेंस कवर करेगा करंट तो इस केस में करंट जो है मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है और इस इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो भी वन मीटर स्क्वायर है तो हमारा रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इक्वल हो जाएगा लेकिन अब अगर कंसिडर करें यही जो है हमारा कंडक्टर जो है इसमें हम डायगोनली जो है करंट दे रहे हैं तो क्या होगा ये इतना डिस्टेंस कवर करेगा विच बी मोर देन वन मीटर तो ये जो करंट है ये इसके सरफेस के जो भी इसका वन मीटर लेंथ है उसके सरफेस के परपेंडिकुलर ही आना चाहिए और परपेंडिकुलर ही निकलना चाहिए ऑलराइट